नमस्कार, ओडिशा न्यूज एक्सप्रेस को स्वागत करुछि मु वर्षा। ओडिया, हिंदी और संबलपुरी भाषा रे देखंतु निजो बरगर खबर। उत्कल प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन की बरगढ़ जोन मंडलीय सभा रविवार स्थानीय एक निजी होटल में बरगढ़ शाखा के आतिथ्य में संपन्न हुई। सभा में प्रांत के सामाजिक तथा शिक्षा क्षेत्र के लिए लगभग 50 मानवों को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही बरगढ़ शहर के समाज सेवियों का भी अंग वस्त्र व मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। बरगढ़ शाखा द्वारा मंचासीन अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित की गई। कार्यक्रम के दौरान प्रांत के विभिन्न शाखाओं से आए पदाधिकारियों ने समाज हित पर की गई कार्यों की उपलब्धियां बताई। प्रांत अध्यक्ष ने समाज को संगठित करने के लिए इस तरह आयोजन किए जाने की सराहना की है, जिसमें बरगढ़ जोन के प्रांत उपाध्यक्ष दुर्गा प्रसाद अग्रवाल, प्रांतीय बरगढ़ जोन सचिव किशन लाल अग्रवाल के संयोजना में प्रांतीय अध्यक्ष गोविंद राम अग्रवाल, प्रांतीय सचिव जय दयाल अग्रवाल, प्रांतीय उपाध्यक्ष दिनेश अग्रवाल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अशोक जलान, प्रांतीय हेल्थ कमेटी चेयरमैन जगदीश गोलपुरिया, बरगढ़ शाखा अध्यक्ष किशोर अग्रवाल, निवर्तमान अध्यक्ष रतन अग्रवाल व निवर्तमान प्रांतीय अध्यक्ष श्याम सुंदर अग्रवाल मुख्य रूप से मंचासीन थे। आइए चलते हैं पूरी खबर की ओर। हमारा स्टेट हेडक्वार्टर संबलपुर में है। आज यहाँ बरगढ़ जोन की मीटिंग है, जिसमें हमारी 9 शाखा कार्यरत है। आज सभी शाखा को यहाँ इकट्ठा किया गया है और हर शाखा से उनकी समस्या के बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है और उसका समाधान का रास्ता निकाला जा रहा है। हर शाखा को हम आज एक चार्टर भी प्रेजेंट कर रहे हैं, जो वो अपनी ऑफिस में रखेंगे। और ये जितने भी काम होते हैं, इसमें न सिर्फ समाज के काम होते हैं, इसमें हम लोग देश और राष्ट्र की उन्नति के लिए भी जितने कार्यक्रम हों उसको लेते हैं और हर जगह बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, कोरोना के समय में अगर किसी ने उड़ीसा में सबसे ज़्यादा काम किया तो मारवाड़ी समाज था, जो पूरे उड़ीसा में निःशुल्क राशन वितरण, भोजन व्यवस्था, फंसे हुए लोगों को उनके घर तक पहुंचाना, ये सारे काम में अग्रणी रहा। आगे भविष्य के लिए हमारी योजना है कि हम एक आई टेस्टिंग वैन लाएंगे, क्योंकि मोबाइल के बढ़ते प्रयोग के कारण छोटे बच्चों की आँख खराब होनी शुरू हो गई है, तो इसकी जाँच के लिए स्कूलों में जा जाकर उस वैन के जरिए हम लोग, उसमें एक टेक्नीशियन भी रहेगा जो बच्चों की आँख चेक करके उसकी जो भी रिपोर्ट होगी उनके पेरेंट्स तक पहुँचाएंगे। इसके अलावा पुरी में भी हम एक समाज का बड़ा बृहद भवन, जिसमें करीब 150 कमरे होंगे, बनाने में प्रयत्नशील हैं और आशा करते हैं कि बहुत जल्दी हम इसका काम शुरू कर दें। आज हमारे बरगढ़ शाखा के आतिथ्य में बरगढ़ जोन की सभा का आयोजन हो रहा है। प्रांतीय अध्यक्ष ने अपने पूरी सहमति जताई कि बरगढ़ शाखा ही एक शाखा है जो कि जोन का सभा आयोजन करने के लिए समर्थ है। उनके विश्वास को अपने खरा उतरते हुए आज बरगढ़ जोन के 9 शाखाओं की सभा आज यहाँ हो रही है, जिसमें करीब 9 शाखाओं के 100 सदस्यों की उपस्थिति आज यहाँ पर है। उसके अलावा संबलपुर शाखा के भी टीम यहाँ पर उपस्थित है। 10 शाखाओं की मीटिंग है और आज ये अपने प्रांतीय अध्यक्ष ने निर्णय लिया कि ऐसे जोनल मीटिंग, हर जोन का एक एक मीटिंग किया जाएगा। उड़ीसा में जैसे 6 जोन है तो 6 जोन की मीटिंग्स होगी, उसी कड़ी में आज बरगढ़ जोन की मीटिंग यहाँ हो रही है। और जोनल मीटिंग करने का ध्येय ये होता है कि अपने ज़्यादा से ज़्यादा सदस्यों के साथ मिल पाएँ, संगठन को ज़्यादा मजबूती प्रदान कर पाएँ और ज़्यादा इंटरेक्शन हो पाए, ज़्यादा सदस्यों की बात अपने सुन पाएँ, उनकी समस्याओं के बारे में जान पाएँ। आज यही कार्यक्रम यहाँ चल रहा है। शाखाएं खुल करके अपनी बातें यहाँ कर रही हैं और उनके समस्या के निराकरण भी आज होंगे और आगे के कार्यक्रम भी आज निर्धारण होंगे। और मारवाड़ी सम्मेलन क्योंकि समाज की सर्वपुरातन संस्था है, इसकी जिम्मेदारियाँ भी अधिक होती हैं, इसलिए आज अपने समाज के बारे में, युवा मंच के बारे में, महिला समिति के बारे में, पूरे समाज के बारे में चर्चा होगी। और आज बरगढ़ में ये देखने को मिला कि आज इस कार्यक्रम में न सिर्फ मारवाड़ी सम्मेलन बल्कि युवा मंच, महिला समिति और मारवाड़ी युवा मंच जागृति शाखा की भी उपस्थिति रही, जिससे कि हमको लगा कि समाज का एक संपूर्ण छवि आज हम लोगों के सामने प्रस्तुत कर पाए हैं। यही इस सभा की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और आज प्रांतीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की उपस्थिति में 2 शीतल पानीय जल
प्रकल्प का भी उद्घाटन हुआ, एक आज हो चुका है भाई राजू अग्रवाल के सहयोग से, और दूसरी जागृति शाखा की एक प्रकल्प आज हम जो हमारे बापूजी स्वतंत्र विद्यालय है 3 बजे वहां पर एक पानी जल का उद्घाटन प्रांतीय अध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा, और इसके उपरांत सभी शाखाओं के जो सदस्य हैं उनकी उपलब्धियों के लिए उनको आज हमने सम्मान भी कर रहे हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक सेवा के क्षेत्र में, विभिन्न क्षेत्र में जो उपलब्धियां समाज के लोगों की है सभी शाखाओं से आज उसके लिए भी लोग यहां आए हैं, और प्रांत की ओर से उनका सम्मान किया जा रहा है जिससे कि संगठन में और मजबूती आए और अधिक से अधिक लोग सम्मेलन से जुड़ पाएँ और सम्मेलन राष्ट्र और प्रांत की सेवा कर सके, यही आज का सभा का मुख्य ध्येय है। जो अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन है उसका मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, पिछले सत्र में मैं प्रांतीय अध्यक्ष था 2 सालों के लिए, और आज जो यहाँ पर हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं मैं ये बताना चाहता हूँ कि अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन पूरे भारत में मारवाड़ी समाज की सबसे बड़ी संस्था है, 85 सालों से यह संस्था है, और समाज सेवा का, समाज सुधार का, राष्ट्र की प्रगति का, सामाजिक एकता का ये कार्यक्रम लेते आ रहे हैं। जब जब समाज की जो भी कुरूतियाँ आती हैं, समस्याएँ आती हैं, उनको कैसे दूर किया जाए, ऐसी बैठकों के द्वारा उसके ऊपर चर्चा होती है, और आज की ये बैठक इस मंडल की, बरगढ़ मंडल की बैठक है, इसमें ये चर्चा की जा रही है कि हमारी क्या क्या समस्याएं हैं समाज की, समाज को ऊंचा उठाने के लिए और क्या क्या कार्यक्रम हम लोग ले सकते हैं, और विभिन्न शाखाओं से आए हुए लोग अपना सुझाव देते हैं, उसके अलावा यहाँ पर चर्चा करके निर्णय लिया जाता है। जैसा भी आप लोगों को बताया गया कि आज हम लोगों ने एक स्वास्थ्य सेवा के ऊपर में लिया, इसके अलावा हम लोग की जो विभिन्न समाज सेवा हैं, समाज सेवा के कार्यक्रम हैं, शिक्षा कोष है हमारा जिसमें हम समाज के कमजोर बच्चों को शिक्षा की सहायता देते हैं, इसी प्रकार विभिन्न धर्मशाला, मंदिर, सेवा सदन, एम्बुलेंस और कई प्रकार की जो सेवाएं हैं, पानी के प्रकल्प, आरओ वाटर का यूनिट धर्मशालाओं में दिया जाता है, ये सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, और भी क्या कार्यक्रम हम ले सकते हैं इसके बारे में आज चर्चा हो रही है, और इसमें कुल मिला के हमारा समाज कैसे उन्नतशील समाज होगा और सर्वोच्च समाज होगा, इस चीज़ को हम लोग ध्यान में रख के और ये सारे कार्यक्रम कर रहे हैं। न्यूज़ के माध्यम से मैं समाज के लोगों को यही संदेश देना चाहूँगा कि हमारे पूर्वजों का इतिहास एक गौरवशाली इतिहास रहा है, हम हमारा समाज हमेशा समाज सेवा में, दूसरों की सेवा में, ज़रूरतमंदों की सेवा में आगे रहा है, हमारी इस पीढ़ी को भी समाज सेवा में और अग्रसर होना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी हम लोग के ऊपर गौरव कर सके और हम हमेशा सर्वश्रेष्ठ समाज बन सके, और हम एक सिर्फ व्यवसायी समाज न बनकर एक समाज सेवी और एक देश का अच्छा समाज बने, ये मैं संदेश देना चाहूँगा हमारे समाज के सभी लोगों को, और उसके लिए संगठित रहें, एकजुट रहें, एक दूसरे के लिए खड़े रहें और आगे बढ़ें। आज बरगढ़ में मारवाड़ी सम्मेलन के मंडलीय सभा का आयोजन किया गया है, इस मंडल में 9 शाखाएं हैं, 9 शाखा के पदाधिकारी, विभिन्न पदाधिकारी आए हैं। मारवाड़ी समाज का एक ही लक्ष्य और एक ही टारगेट है, मानव सेवा परम धर्म। किस तरह समाज सेवा हो, देश सेवा हो, और देश किस तरह नई दिशा प्रदान करे, समाज को नई दिशा प्रदान हो, और किस तरह कोरोना महामारी से जिस तरह लोगों को बचा के लाए हैं सब मिल के, उसको किस तरह आगे बढ़ाया जाए, शिक्षा में किस तरह उन्नति की जाए, समाज के युवक युवती किस तरह माने शिक्षित होकर और समाज को मजबूती प्रदान करें, उस लक्ष्य को लेकर यहाँ सभा आयोजन की गई। आज से एक नया लक्ष्य लेके चल रहे हैं, स्वास्थ्य सेवा पे विशेष जोर दिया जाएगा, शिक्षा कोष हमारा पहले से चल रहा है, हम असमर्थ बच्चों को माने आर्थिक सहायता देकर पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और पढ़ा में उसमें सक्षम भी हो रहे हैं। आज से स्वास्थ्य सेवा नया नारा दिया गया है, स्वास्थ्य सेवा पे मारवाड़ी समाज जोर देगा। समाज के विभिन्न क्षेत्र में जो शिक्षित बच्चे जो उपलब्धियां हासिल किए हैं उनको मारवाड़ी समाज सम्मानित करके दूसरों को प्रेरणा प्रदान करना चाहता है कि वो भी आगे बढ़ें, और जो सेवा क्षेत्र में विशेषकर जो सेवा क्षेत्र में निस्वार्थ भाव से लगे हुए हैं उनको भी सम्मानित कर एक समाज को गुड मैसेज भेज देना चाहता है। हाय एवरीवन, मैं अभिलाषा अग्रवाल, पेशे से आर्किटेक्ट हूँ, और यहाँ UPMS मारवाड़ी समाज से मुझे अवार्ड मिला गया है कि मैंने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया है। मैंने अपना एजुकेशन पीलो मोदी कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर कटक से कंप्लीट किया है, और यहाँ आके मुझे काफ़ी खुशी मिली कि मुझे इतना अप्रिशिएट किया जा रहा है। आज के डेट पे लड़कियाँ आगे बढ़ रही हैं,
और स्टडी कर रही हैं। काफ़ी अच्छी बात है, ये सभी को सपोर्ट करना चाहिए लड़कियों को आगे पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए। मम्मी पापा का काफ़ी सपोर्ट रहा है और भाई भी काफ़ी सपोर्ट कर रहा है आज भी कि मैं सक्सेस हो पाऊँ। और जैसे मुझे काफ़ी प्रोजेक्ट्स मिले, पापा मम्मी भी काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। मम्मी का तो हमेशा से ही सपोर्ट रहा है और भी काफ़ी लोग हैं, टीचर्स, फ्रेंड्स, जो लोग आज के डेट पे भी सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ जाने माने आर्किटेक्ट्स भी हैं जिनसे टच में रह करके मैं काफ़ी कुछ सीख पा रही हूँ। मैंने जहाँ जॉब की थी वहाँ पे भी काफ़ी सपोर्ट मिला है मुझे, तो अच्छा है। इंस्पिरेशंस मिलती हैं कि आगे बढ़ें और कुछ करें। मैंने एक ही चीज़ सीखा है कि कभी भी गिव अप मत कीजिए, चाहे कुछ भी सिचुएशन आ जाए, कभी भी गिव अप मत कीजिए।